जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदेश श्रीवास्तव ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए धारा 302 व 120 बी में घनश्याम धाकड़, वंशी गुर्जर व अन्य दो लोगों को आजीवन कारावास से दंडित किया गया। वहीं अन्य दो आरोपियों को 5 वर्ष व 4 वर्ष से दंडित किया गया, जिन्होंने उनके शव की शिनाख्त की थी। कुल मिलाकर अगर पूरे प्रकरण में देखा जाए तो घनश्याम धाकड़ बंसी गुर्जर से प्रभावित होकर उसने यह षड्यंत्र रचा था, क्योंकि पूर्व में बंसी गुर्जर द्वारा अपना फर्जी एनकाउंटर कर मृत घोषित होने का एक षड्यंत्र उसने रचा था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में भी जांच कर उसे जिंदा गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जांच करी और जांच में ये पाया कि इसके अन्य साथी कौन कौन और मददगार इसके लोग थे, तो मददगार लोगों में ये पाया कि बंसी गुर्जर से जो है ये घनश्याम धाकड़ बहुत ज्यादा प्रभावित था और बंसी गुर्जर की स्टोरी को ही फॉलो करते हुए इसने ये स्टोरी अपनी बनाई थी, क्योंकि बंसी गुर्जर के ऊपर भी लगभग यही केस है कि उसके द्वारा भी एक फर्जी एनकाउंटर बना के वो केस भी शायद अभी सीबीआई वगैरह कोर्ट में चल रहा है, तो इसने बंसी गुर्जर से प्रभावित होकर इस पूरी जो है घटना को अंजाम दिया कि अपने आप को मृत घोषित कर दिया। तो उसके उपरांत जो है पुलिस ने जांच करके घनश्याम धाकड़ को जो है जिंदा पकड़ा और इसमें सहयोग करने वाले जो थे वह अन्य 4 लोग और जो थे, अन्य 6 लोग जो थे वो अलग अलग तरीके से इसके साथ इस हत्या के षड्यंत्र में जुड़े हुए थे, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति को मालगेड़ा बंटे पे फेंका गया और जो सबकी अलग अलग इसमें भूमिकाएं रही, सब इसमें षड्यंत्र में शामिल थे। किसी ने मृतक की लाश में जो है घनश्याम धाकड़ का वोटर आईडी रखा, किसी ने उसकी हत्या करी, किसी ने उसकी पहचान करी। तो आज विभिन्न धाराओं में आज इस हमारे जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय हरदेश श्रीवास्तव उनके न्यायालय में आज जो फैसला हुआ, तो न्यायालय ने जो है 6 आरोप इसमें जो है धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आजीवन सश्रम कारावास तथा 100-100 रुपए का जुर्माना व ये अदा नहीं करने पर 1-1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा दी तथा 120 भारतीय दंड संहिता में भी इनको आजीवन सश्रम कारावास सुनाया गया और वही 100-100 रुपए का जुर्माना करते हुए अगर ये अदा नहीं करते तो 1-1 साल की और भुगतई जाए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।